दोस्तों नमस्कार। एक मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग कोई भी रिचार्ज करते हैं, चाहे किसी भी कंपनी का हो, एयरटेल हो, चाहे वोडाफोन हो, चाहे आप जियो हो, तो वहाँ पे 28 दिन तक ही आप रिचार्ज कर पाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे कुछ महीनों में ऐसा ही प्लान आने वाला है जो कि आप 30 दिन तक का रिचार्ज कर सकते हैं। कितने दिन तक का? 30 दिन तक का। जी हाँ, ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्लान किया ट्राई को, तो ट्राई ने एक एक्शन लिया, एक सर्कुलर जारी किया जिसमें बताया गया है कि 30 दिन से 60 दिन तक समय दिया गया है जितने भी मार्केट में टेलीकॉम कंपनी है, चाहे एयरटेल हो, चाहे जियो हो, चाहे वोडाफोन आइडिया हो, कोई ना कोई एक ऐसा प्लान लॉन्च किया जाए जिसमें यूजर को 30 दिन तक का रिचार्ज करने का मौका मिले और आसानी से वो रिचार्ज कर पाए। देखना अब ये है कि कौन सी कंपनी सबसे पहले रिचार्ज लाती है 30 दिनों तक। और ये भी हो सकता है कि अगर जो भी रिचार्ज का भी प्लान चल रहा है, जितने भी पैकेज का भी प्लान चल रहा है, तो उसी में 28 दिन को बढ़ा के 30 दिन कर दिया जाए, या हो सकता है कि जो भी प्लान का दर है यानी कि रुपया है, तो उसको बढ़ा के इंक्रीज किया जाए, या नहीं तो जो 28 दिन है उसको यहाँ पे 28 से 30 दिन किया जाए। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक टाइम टेबल दिया गया 30 दिन से 60 दिन तक। तो यहाँ पे कोई ना कोई आपको प्लान देखने को मिलेगा, 30 दिन तक आप रिचार्ज कर सकते हैं। अगर मार्केट में कोई ऐसा प्लान आता है, कोई भी कंपनी लेके आती है 30 दिनों तक आप रिचार्ज कर सकते हैं, तो उसका क्या प्राइस होगा, क्या इसी प्राइस में 28 दिन से बढ़ा के 30 दिन कर दिया जाएगा, तो ये मैं आपको सारा डिटेल इसी चैनल पे बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको ये गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि एक कंप्लेन सर्कुलर जारी कर दिया गया है सभी टेलीकॉम कंपनी जितने भी मार्केट में अवेलेबल है, तो वहाँ पर एक नोटिस दिया गया है सभी को कि आप जो है 60 दिन के अंदर में कोई न कोई एक प्लान जरूर लाइए जिनसे यूजर को 30 दिन रिचार्ज कर सके। तो इस वीडियो में बस अभी तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। जय हिंद।